हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। तो देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए दर्पण या मिरर, ठीक है। तो देखिए दर्पण, यदि किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए तो वह कांच दर्पण बन जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोले दर्पण। गोले दर्पण ए मतलब अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। गोले दर्पण को उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई दर्पण, ये कोई कांच है, उसकी एक तरफ से HNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करने से वो दर्पण बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण या प्लेन मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधे हो समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे कोई दर्पण खड़ा है तो आपतित किरण मतलब कोई प्रकाश किरण, मान लो यहाँ सूर्य है तो उससे किरण आ रही है दर्पण पर पड़ के परावर्तित हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये पीछे है HNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश, ठीक है। अब देखिए, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से एक्स मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से एक्स मीटर की दूरी पर ही दिखेगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे ही बनेगा, ठीक है। जैसे ये दर्पण है, दर्पण के आगे कोई व्यक्ति खड़ा है मतलब 2 मीटर आगे खड़ा है, ठीक है। तो दर्पण भी व्यक्ति की परछाई भी दर्पण के अंदर है ना, जो 2 मीटर पीछे ही दिखेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा हमेशा वस्तु के समान व पार्श्वीय परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है मतलब समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए एक बार। समतल दर्पण की अवधारणा, समता का मान हमेशा एक होता है, पॉइंट एक होता है, प्राप्ति होगा, ठीक है। जैसे आवर्धन समता अहम, प्रतिबिंब की ऊंचाई H1 और बिंब की ऊंचाई H मतलब बराबर 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर V वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2 वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण देखने को सामने होना चाहिए। मतलब अगर हम मतलब जैसे 6 फीट का व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए 6/2 मतलब 3 फीट का दर्पण सामने होना चाहिए, जब जाके व्यक्ति की पूरी प्रतिबिंब दिखाई देगा। मतलब खुद की लंबाई का आधा दर्पण सामने होना चाहिए जब जाके पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो नेक्स्ट देखिए, यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा डिग्री पर कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तन कोण का मान 2θ प्राप्त होता है, ठीक है। आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि दर्पण को 10 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तन कोण का मान 20 डिग्री प्राप्त होता है, ठीक है। थीटा बराबर 10, 2×10=20 डिग्री ये अपना आंसर होगा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत मानी जाती है, ठीक है, इसको याद रखना। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण के उपयोग, घरों में आईना देखने के लिए पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर जोड़ा जाता है। मतलब पनडुब्बियों में, पनडुब्बी समुद्र के अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है, ठीक है। अब अंदर से बाहर निकालने से उस पेरिस्कोप को निकालते हैं पानी से बाहर और देखते हैं, तो ये जैसे
ऐसे यहाँ से मनुष्य देखता और यहाँ से यहाँ पे 45 डिग्री पे एक शीशा लगा होता है दर्पण और यहाँ पे 45 डिग्री पे, तो इधर से कोई वस्तु आ रही होगी तो उसकी परछाई यहाँ पे पड़ के ऐसे पड़ के इसको दिखाई देगी। ठीक है, पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में खाइयों के में छुपे दुश्मनों को ढूंढने के लिए किया जाता है। ठीक है, देख ली। ये देखिए, कैलिडोस्कोप में 3 समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर जोड़कर रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो देखिए, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर जोड़े जाते हैं, उनके मध्य रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? ठीक है, मतलब थीटा बराबर 0, 2 समतल दर्पण खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बीच में कोई वस्तु बनी रखी हुई है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 बराबर अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है ना जो ये 28 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी सुबह वाली सीईटी की, उसमें पूछा गया प्रश्न है ये। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत जोड़े जाते हैं तो उनके मध्य रखी वस्तु से बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो वस्तु है असममित। ठीक है, तो इनसे बनने वाला प्रतिबिंब 360 डिग्री, 360 बटा थीटा मतलब 360 बटा 90। ठीक है, बराबर 4 माइनस 3 डिग्री, तो इसमें 3 प्रतिबिंब आंसर आएगा। ठीक है, यह भी सीईटी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 360 डिग्री थीटा बराबर सम आए तो माइनस 1 करना होगा। ठीक है, 360 डिग्री अगर विषम आए तो आंसर वही विषम होगा। ठीक है, मतलब आंसर विषम में देना है। ठीक है, सममित स्थिति के लिए सूत्र विकसित, चाहे उत्तर सम आए या विषम आए, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, वस्तु सममित स्थिति में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर जोड़े जाते हैं, उनके मध्य रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो ऐसे कोई वस्तु रखी हुई है 40 डिग्री के कोण पर, 360 बटा 40 तो कितना होगा? 9 चौक 36। ठीक है, 9 मतलब विषम है। ठीक है, तो 9 माइनस 1 मतलब असममित में तो 9 आंसर आएगा और सममित में अंदर 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, हमने आपको दर्पण पढ़ा दिया है, अब कल पढ़ाएंगे आपको गोली दर्पण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।